वचन में विश्वासियों से कहा गया कि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने जाना होगा। लेकिन इस न्याय का उद्देश्य क्या है? क्या यीशु ने हमारे पापों के लिए पूरा दाम चुकाया और परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण नहीं करता? यदि ऐसा है तो फिर विश्वासियों का न्याय मसीह के द्वारा क्यों होगा? इस न्याय का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। उद्धार तो पूरी तरह से परमेश्वर का मुफ्त का वरदान है। जिस पल कोई मसीह में विश्वास करता है वो उसी पल इसे पाता है। लेकिन मसीह के न्यायासन का संबंध इससे है कि उसने हमें उद्धार देने के बाद हम मसीह के लिए कैसे जिए। मसीह के लिए हमने जो भी किया उसका मूल्यांकन करके प्रतिफल दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि सबको मसीह के न्यायासन के सामने प्रकट होना होगा कि हर कोई जिसे जो मिलना चाहिए वो प्राप्त कर सके, जो उन्होंने शरीर में किया था, चाहे भला या बुरा हो। हम समझ सकते हैं कि हमने जो उसके लिए भला किया उसका प्रतिफल हम पाएंगे। लेकिन इसका क्या अर्थ है जब बाइबल कहती है कि जब हमने जो बुरा किया उसका भी हम प्रतिफल पाएंगे? क्या अविश्वास योग्य विश्वासी विश्वास योग्य विश्वासी जैसे प्रतिफल नहीं पाएंगे? लेकिन क्या मसीह के न्यायासन के सामने आंसू होंगे? क्या प्रतिफल आदर और सौभाग्य खो दिए जाएंगे जो स्वर्ग में पूरे अनंत काल तक हमारे स्तर को निश्चित करेगा? बाइबल से इन सवालों का जवाब देने में मदद करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अर्विन लुत्जर, मूडी चर्च के सीनियर पास्टर, शिकागो इलिनॉइस से। हम इस बात को देखेंगे कि जब आप यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे और वो आपके जीवन का मूल्यांकन करेगा तो वो क्या पाएगा। प्रोग्राम में स्वागत है। चलिए सवाल से शुरू करते हैं कि उस न्याय के बारे में क्या जिसे बाइबल महान श्वेत सिंहासन का न्याय कहती है, और उस न्याय में क्या फर्क है जो मसीह का न्यायासन है? इन दोनों में परमेश्वर किस तरह से न्याय करेगा? और जबकि परमेश्वर ये कहता है कि हम सब इनमें से किसी न किसी न्याय में प्रकट होंगे, तो आप इसमें से किस में प्रकट होना चाहेंगे? कैसे निश्चित करेंगे कि आप सही न्याय में आए हैं? आज हमारे मेहमान हैं मेरे दोस्त डॉक्टर अर्विन लुत्जर, जो कि सीनियर पास्टर हैं मूडी चर्च शिकागो इलिनॉय में। और जैसे ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप गौर से सुनिए। जॉन, हमें ये बात तो हमेशा बतानी है कि लोग समझ ले कि दो महत्वपूर्ण न्याय है और हम मसीह यीशु के न्याय आसन पर जोर दे रहे हैं। ये विश्वासियों के लिए है और ये स्वर्ग में हमारा प्रतिफल निश्चित करेगा। लेकिन एक और न्याय है जिसे महान श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं, और सारे युग के अविश्वासी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और व्यक्तिगत रूप में उनका न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब के 20वें अध्याय में जो घटना पाई जाती है उसे देखिए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और इनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस सीन की कल्पना करें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां आए लोगों में क्या विविधता है उसे देखते जाएं। मरे हुए छोटे और बड़े परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जो दीर्घायु जिए हैं और जो कम आयु जिए हैं, जो संसार के इस कोने में रहे हैं और जो संसार के दूसरे कोने में रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या जहां भी हो। और फिर आप समय काल के फर्क को सोचिए, कुछ जो सदियों पहले जिए और कुछ जो शायद अभी जी रहे हैं और इस समय जीवित है। ये सब परमेश्वर के सामने खड़े और उन सब में एक समान भविष्य है, और यहाँ सेवक मिशनरी के साथ खड़े हैं या कोई नन सेवक के साथ खड़ी होगी, यानी धर्मी होंगे जिन्हें हम कई बार धर्मी कहते और अपराधी भी है, और ये सब परमेश्वर के सामने है और किताबें खोली जाती है और उसका न्याय होगा। दो किताबें यहाँ बताई गई है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, उन्हें आग की झील में फेंका जाएगा। लेकिन एक और किताब है जो कामों की किताब है, और जो लिखा है उसके अनुसार उनका न्याय होगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी कामों से उद्धार नहीं पाता है। इस न्याय का उद्देश्य ये तय करना नहीं कि कौन स्वर्ग में या नरक में जाएगा। बाइबल में ऐसा कोई न्याय नहीं है। वो कहां पर होंगे इसका निर्णय पहले ही किया गया है। जो यहां जमे हुए हैं
उनका न्याय होगा और सबको आग की झील में फेंका जाएगा। काम उद्धार नहीं देते, लेकिन काम न्याय के लिए बुनियाद है। यीशु व्यक्तिगत रूप में और परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में लोगों को देखेगा और न्याय करेगा इस आधार पर कि वो जो जानते थे उसके अनुसार क्या किया। यीशु ने कहा, जो अपने प्रभु की इच्छा जानता था लेकिन उसे नहीं किया उसे बहुत कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन जो प्रभु की इच्छा नहीं जानता था उसे कुछ ही कोड़े मारे जाएंगे। इन सब लोगों में किस बात की कमी थी? क्या वो अच्छे लोग नहीं थे? नहीं, वो मनुष्य के हर स्तर के अनुसार अच्छे लोग थे, लेकिन मेरे दोस्तों वो इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमने जोर देकर कहा कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर जितना सिद्ध होना होगा और केवल मसीह हमें इतना सिद्ध बना सकता है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता हमें दी जाती है। यानी जहां तक परमेश्वर की बात आती है कोई फर्क नहीं यीशु की धार्मिकता में और उस धार्मिकता में जो मेरे लेखे में गिनी जाती है, इसलिए उसके आधार पर स्वर्ग में मेरा स्वागत होता है। लेकिन जिन्होंने इस तरह से उस पर भरोसा नहीं रखा है, जो कहते हैं कि मैं यीशु पर भरोसा रखता हूं और अपने बपतिस्मा पर भी और मेरे अच्छे कामों पर और मेरे विधियों पर भी, वो भी खो जाएंगे। क्योंकि ये नहीं कि आप मसीह में कितना विश्वास रखते हैं, ये आपके विश्वास की बात है। चाहे आपका विश्वास छोटा ही हो तो केवल यीशु मसीह में ही हो। यानी जॉन महान श्वेत सिंहासन भविष्य की घटना है। सब लोगों का व्यक्तिगत न्याय होगा और समय के अंत में उन्हें नरक में फेंका जाएगा। और जानता हूं कि हम नहीं चाहते, लेकिन हमने ये नियम नहीं बनाए। और साथ ही मैं विश्वास करता हूं कि न्याय इतना सटीक होगा कि सारे अनंत काल में हम गाएंगे, तेरे मार्ग तो सच्चे और सही है हे संतों के राजा। लेकिन शुभ संदेश यह है कि आप अपने पापों से फिर सकते हैं, मसीह के पास आ सकते हैं, उसकी धार्मिकता को लेकर आप मसीह के न्याय आसन के सामने हो। कितना अद्भुत न्याय जो स्वर्ग में हमारे प्रतिफल को निश्चित करेगा। अब जबकि हम महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बीच का फर्क समझ गए हैं, यानी हम सभी का न्याय होगा और मसीह के न्यायसन में जहां विश्वासियों के जीवन का मूल्यांकन यीशु मसीह करेगा, तो शायद आप सवाल पूछे कि यीशु मसीह का न्याय सिंहासन कब आएगा। इसका यही जवाब है, सुनिए। जॉन, मैं सोचता हूं कि मसीह का न्याय आसन यानी विश्वासियों के न्याय के बारे में, यानी जिसे हम चर्च का रैप्चर कहते हैं, यानी हमें मसीह की उपस्थिति में ले जाया जाता है और फिर वो हमारा मूल्यांकन करता है। लोग कहते हैं कि वो हम सबका न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि वो ऐसे करे तो इसके लिए कई साल और साल लग जाएंगे। मैं नहीं जानता कि मेरे पास इसके लिए सही जवाब है। बस यही कि नंबर एक, याद रखिए कि हम परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। उसे किसी वकील को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्तों को आपके बारे में अच्छा कहने के लिए आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जो आपके पास है वो वास्तविकता है जो सही समय पर हमें दिया जाएगा। तो हम निश्चित नहीं जानते हैं कि न्याय के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन हम जानते हैं मेमने के विवाह का भोज तो चर्च के रैप्चर के बाद होगा। उस समय तक सारे विश्वासियों का न्याय हो जाएगा और हम जानेंगे कि मसीह ने क्या सोचा था जिस तरह से हम यहां पर रहते हैं। यानी अब ये मसीह के न्यायसन के समय में होगा, तो बाइबल महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बारे में क्या कहती है कि ये कब होगा, सुनिए। और कब महान श्वेत सिंहासन होगा? ये क्लेश काल के बाद होगा और मिलेनियम के राज्य के बाद होगा, यानी अनंत काल सही तरह से शुरू होने से पहले होगा। हम यही कह सकते हैं कि उसी समय श्वेत सिंहासन का न्याय होगा और उसके परिणाम में अनंत काल शुरू होगा। कुछ भी हो, अंत में केवल दो तरह के लोग हैं, उद्धार पाए और खोए हुए, और स्वर्ग और नरक है पूरे अनंत काल के लिए। अब केवल एक ही सवाल है जो लगभग सभी लोग पूछते हैं मसीह के न्यायसन के बारे में, और वो ये है, सवाल है कि क्या आप सोचते हैं कि मसीह का न्यायसन सब लोगों के सामने होगा? क्या ये गुप्त में नहीं होगा? क्या मसीह आपके जीवन का मूल्यांकन करेगा और जहां पर आपके पूरे परिवार के लोग होंगे, दोस्त होंगे, चर्च के लोग होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे? इसका जवाब यही है। जानते हैं जॉन, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या यीशु का न्याय आसन सबके सामने होगा या ये किसी कोने पर व्यक्तिगत होगा? हम
हम निश्चित नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि शायद ये सबके सामने हो। याद रखिए वो दृष्टांत जो मत्ती में है, इसी तरह से लूका में ये दृष्टांत में है। विश्वास योग्य व्यक्ति प्रतिफल पाता है और जो विश्वास योग्य नहीं उसे फटकारा जाता है। सबके सामने यहाँ ये कहता है। अब यदि न्याय सबके सामने है तो ये डराने वाला है। यानी कल्पना कीजिए कि मेरा जीवन मेरे दोस्तों के सामने खुला है कि देखे और कौन इसे सह पाएगा। खैर कुछ बातें हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ये मसीह का न्याय आसन है। हमारे पाप नैतिक रूप में दूर किए गए हैं, यानी हमारे पाप हमारे सामने रखे जाएंगे यदि हम उसे क्षमा किए गए देखते हैं। ये नंबर एक है। और नंबर दो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि इस पर गहराई से भरोसा करता हूं, अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सोचिए कि केवल यही बात मायने रखेगी। जानते हैं हम इस जीवन में चिंता करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जाने मेरे दिल के पापों को, लेकिन परमेश्वर इन्हें जानता है और ये बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जाने जब आप यीशु के सामने खड़े होंगे हमारे पुनरुत्थ की देह के साथ, तो बड़ी बात होगी कि मसीह क्या सोचता है और दूसरे क्या सोचेंगे। ये उस परिस्थिति में जरूरी नहीं होगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक बात और एक ही बात पर गौर करना चाहिए, यीशु क्या सोचता है, क्योंकि इस जीवन में गलत समझा जाता है, गलत अर्थ लगाते सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है, क्या हम उसे प्रसन्न कर रहे हैं? अब जब यीशु उद्धार देता है तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, ठीक है? तो जब न्यायसन के सामने जीवन का मूल्यांकन करेगा तो हमारे क्षमा किए गए पाप मसीह का हमारे जीवन के मूल्यांकन में क्या करेंगे? क्या पाप फिर प्रकट होंगे? क्या परमेश्वर ये नहीं कहता कि हमारे पापों को स्मरण न करेगा? डॉक्टर अरविंद लूथर इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं, सुनिए। जानते हैं जॉन, मैंने इस सवाल के बारे में सोचा क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, लेकिन अवश्य ही वचन का ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर के पास हमारे भूतकाल का ज्ञान नहीं, क्योंकि तब परमेश्वर सब कुछ नहीं जानेगा। इसका अर्थ है कि वो उसको नहीं मानता, वो हमारे विरुद्ध में उसे नहीं रखता। हम उन पापों के लिए उस गंभीर न्याय में नहीं आएंगे। हालांकि ये बात मैंने जरूर कहा, ये सच है कि मसीह के न्याय आसन के सामने हमारे जीवन का मूल्यांकन होगा, चाहे हम इसका जो भी अर्थ लगाएं। प्रेरित पौलुस ये महसूस करता है कि कोई मतभेद नहीं, कि विश्वास करे कि हमें क्षमा किया गया है और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके दंड आज्ञा में नहीं आते हैं क्योंकि यीशु ने उसे हमारे लिए ले लिया है। उसमें कोई मतभेद नहीं। ये बात देखना है कि हमारा जीवन देखा जाएगा और न्याय होगा, और भले और बुरी बातों का न्याय होगा। और जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था, संभव है कि परमेश्वर हमारे जीवन को ले और उसका मूल्यांकन सोना चांदी कीमती रत्न या लकड़ी घास और सरकंडे की तरह रखे और उसे जलाएं, और फिर हम सच में देख पाएंगे कि हम कैसे जिए और कोई खास पाप न देखें। जैसे मैंने कहा कि जब ऐसे होगा तो वो हमारे सामने ऐसे होंगे जैसे कि मसीह के लहू में छिपे हो, लेकिन किसी न किसी तरह से मूल्यांकन तो होगा ही। और आज मेरे दोस्तों, जैसे आप समझते हैं, ये पर्यायी नहीं है। ये ऐसा नहीं जिससे आप बाहर आ सकते हैं। आप किसी वकील को नहीं बुला सकते और इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है हम सब मसीह के सामने विश्वासी के रूप में खड़े होंगे। यदि आप किसी को जानते हैं जिन्हें इस प्रोग्राम से लाभ मिलेगा, तो मैं न्योता देता हूं कि आप उन्हें ये बताएं। हमारे पास मुफ्त में ये ऐप है जो आपको फोन के द्वारा ऐसा करने में मदद करती है। इसे डाउनलोड करने के लिए केवल अपने मोबाइल पर ऐप स्टोर पर जाइए और द जॉन एंकरबर्ग शो खोजिए। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इन प्रोग्राम को देख सकते हैं बहुत से लोगों के साथ, किसी भी समय किसी भी जगह पूरी तरह मुफ्त में। अब चलिए आपके धन के बारे में कहते हैं। जैसे बाइबल कहती है कि इसके लिए एक दिन आपको मसीह से प्रतिफल मिलने वाला है, इसके बारे में क्या? मैंने डॉक्टर लूथर से पूछा, बाइबल में इतने वचन क्यों दिए गए हैं कि धन का सही उपयोग करें? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुनिए जॉन, मैं सोचता हूं कि यीशु पैसा का उपयोग उदाहरण के लिए करता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह बुनियाद है, इस पर हमें प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारा दिल स्वाभाविक रूप में लालची है और सुरक्षा चाहता है। हम कल के लिए प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। यानी यीशु कहता है लूका अध्याय 16 में, वो अद्भुत वाक्य कहता है, वो धन के बारे में कहता है, फरीसी उस पर दोष लगाते थे, वो उसकी बातों से नफरत करते थे। उसने कहा कि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है
अब मनुष्य में सबसे ज्यादा महान क्या है? इसका जवाब तो धन है। मतलब लोग इसे चुराते हैं, इसके लिए झूठ बोलते हैं, इसके लिए भरमाते हैं। और यीशु ने कहा वो परमेश्वर के निकट घृणित है, घृणित है। इसी संदर्भ में वो धन के उपयोग के बारे में उदाहरण देता है। वो एक भंडारी का दृष्टांत बताता है जो सच में अपने प्रभाव का उपयोग करता है कि कुछ दोस्तों को खरीदे जो नौकरी जाने के बाद उसकी मदद करे। आप ये कहानी जानते हैं, यीशु इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में नहीं कहता, वो कहता है कि वो चतुर है। ये लूका 16 में है। फिर यीशु ये कहता है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये सोचें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों की चीजों में विश्वास योग्य न रहे तो कौन तुम्हें सच्चा धन देगा? यदि जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसमें विश्वास योग्य न रहे तो तुम्हें कैसे और ज्यादा दिया जाएगा? फिर वो धन को अधर्मी मामून कहता है। हम कहना चाहते हैं कि यह सामान्य है, इसका कैसे उपयोग करते हैं इस पर आधारित है। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन नहीं चाहता कि हम इसी तरह सही ठहराते जाए। वो इसे अधर्मी मामून कहता है, क्योंकि जरा सोचिए कि इसे पाने के लिए लोगों ने क्या किया है। जानते हैं हेडन रॉबिन्सन, मैं बताऊंगा कि उन्होंने एक बार क्या कहा था। जानते हैं बाइबल कहती है कि धन का लोभ सारी बुराई की जड़ है। हम इसे सही ठहराना चाहते हैं, ठीक है, मैं पैसों से प्यार नहीं करता। ऐसा कहते हुए हम इसे जमा करते और खुद के लिए रखते हैं। और डॉक्टर रॉबिन्सन ने कहा, हम बहाना बनाते हैं, हम कहते हैं इससे प्यार नहीं करता लेकिन उसे डेट करते, गले लगते हैं। हम सराहना करते लेकिन सच में उसे प्यार नहीं करते हैं। परमेश्वर इस तरह की झूठी बातों से दूर है, क्योंकि वो जानता है कि हम स्वभाव ही से पैसे से प्यार करते हैं और पैसों का प्यार खत्म होना चाहिए। जानते हैं, मुझे यूरोप की वो कहानी पसंद है कि एक राजकुमारी की शादी होती है। उसका पति बहुत धनी था और उसने उसे कुछ गहने दिए उनकी शादी होने के बाद। और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं वो गहने बेचकर एक अनाथ आश्रम शुरू करूं। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो खरीदा क्या तुम्हें वो पसंद नहीं? इस तरह की बातें उसने कहा। हम ये सब जानते हैं जो शादीशुदा है। खैर, अंत में उसने उसे सहमत किया और उसने कहा, ठीक है, तुम गहने बेच सकती हो। तो उसने गहने बेचे और उन पैसों का उपयोग अनाथ आश्रम बनाने के लिए किया। और वहाँ बच्चे गीत गा रहे थे और वचन याद कर रहे थे। और वो एक दिन घर में आकर अपने पति से कहती है, मुझे मेरे गहने मिल गए, मेरे गहने मिल गए, मुझे वो इन छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मिल गए। और जॉन वो बुद्धिमान स्त्री थी। मैं जीवन भर कहते आया कि हम साथ कुछ नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। हमें यही तो करना है कि ऐसा पुल बनाए जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी को खत्म कर दे। और ये है कि जिन्हें सुसमाचार सुनना है उनके जीवन में पैसों का निवेश करे, कि अपने पैसे उन मिशनरी को दें, जैसे यीशु इस दृष्टांत में कहता है कि तुम्हारे मित्र अनंतकाल के निवास में तुम्हारा स्वागत करेंगे। धन में इस तरह की सामर्थ है, और यदि हम इसे नहीं देते हैं तो हम बहुत बहुत स्वार्थी होंगे। तो यीशु कहता है कि इसमें ईमानदार हो और मैं तुम्हें प्रभु राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। शायद जिनके पास में ज्यादा धन नहीं, आप ये सोच रहे होंगे, मैं जानता हूं परमेश्वर को कितना धन देते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए मेरे पास देने के लिए बहुत ही कम पैसा है, तो इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो राशि नहीं है, लेकिन आपके दिल की मनोदशा है जिससे आप परमेश्वर को देते हैं, जो मायने रखती है, डॉक्टर लूजर बताते हैं। अवश्य ही कोई सुन रहा होगा और कहता है, कितना धन देना मायने रखता है? नहीं, लेकिन किस दिल से देते हैं? यदि आपके पास ज्यादा नहीं लेकिन उदारता से देते हैं, दो दमड़ी देने वाली उस विधवा को देखिए। किसी ने अनुमान लगाया कि ये विधवा जिसने दो दमड़ी दी थी, यदि उस पैसे को लेकर 5% ब्याज पर 2000 साल के लिए देते तो मैं सोचता हूँ कि इतना होगा, यानी 19 के आगे 45 शून्य लगाए। अब ये हमें ये सच्चाई याद दिलाता है कि हम जो देते हैं परमेश्वर उसे लेता है। मैं सोचता हूं कि हम इसे स्वर्ग में बैंक में रखते हैं, ये म्यूचुअल फंड जैसे है, और इसका लाभ बढ़ता है। धन से जितना अच्छा करेंगे उसके ऐसे ही लाभ होंगे, और अंत में हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हम जिसे प्यार करते थे उसे देते हैं, और इसके कारण प्रभु ध्यान देता है। जो दे सकते हैं वो दे, उदारता से दे। और यीशु ने कहा, अनंत काल में तुम्हारा स्वागत होगा। अब आज के लिए अंतिम सवाल यही है,
आज बहुत से विश्वासी इस तरह से कहते हैं, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम राजा की संतान हैं, तो राजा के बच्चों के जैसे हमें जीना चाहिए कि हमें तंदुरुस्त रहना है, धनी रहना है, संसार में बुद्धिमान होना है। क्या ये बाइबल के अनुसार सही है या झूठा है? सुनिए। जानते हैं, कई बार कहा जाता है कि हमें राजा के बेटे जैसा जीना चाहिए। हम तो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा पिता है। क्या हम तंदुरुस्त, धनी और संसार में बुद्धिमान नहीं हो सकते? क्या हम जितना हो सके जमा नहीं कर सकते? मैं बताना चाहता हूं कि राजा का बेटा होना अद्भुत है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें परमेश्वर के पुत्र के जैसे जीना चाहिए। जब वो इस पृथ्वी पर आया था, हमारा राजा होना भविष्य की बात है, और यीशु ने कहा, जो खुद को नम्र करता है वो उठाया जाएगा। और अवश्य ही हम सब जानते हैं कि यीशु चरनी में जमा, वो बैतलहम में पैदा हुआ, उद्धारक होने के लिए गरीबी में पैदा हुआ। और मैं जानता हूं कि इसका ये अर्थ नहीं कि हम कंगाल हो जाए, लेकिन अवश्य ही ये हमें सिखाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर विश्वासी के पास इस संसार की चीज़ें हो। हम लोगों का न्याय नहीं कर सकते कि तुम गरीब हो इसलिए राजा के बेटे नहीं हो, जिसमें पूरे संसार के हमारे करोड़ों भाई और बहन हैं। हमें ये जानना है कि हम जो आर्थिक आशीष पाए हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उधार हो। हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को नम्र करें कि परमेश्वर किस दिन अपने अच्छे समय में अपनी इच्छा के अनुसार ऊंचा उठाए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि डॉक्टर अरविंद लुजर के इस प्रोग्राम में आपकी मदद की कि बाइबल को हम अच्छी तरह से समझे। हम विश्वासियों के बारे में बाइबल क्या कहती है, जैसे हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम का उपयोग करे कि आप आने वाले इन दिनों की वास्तविकता को समझ सके और आपको उत्साहित करे कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उसके लिए जिए। ये मुझे चौंकाता है कि जिस न्यायाधीश के सामने हम खड़े होंगे, वो हमसे प्रेम रखता है। उसके पास हमारे लिए इस जीवन में अद्भुत योजनाएं हैं। वो चाहता है कि पूरे अनंत काल के लिए हमें प्रतिफल दे यदि हम उसके पीछे चले और उसके लिए जिए। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है उसे आप खो दें। तो मैं उत्साहित करता हूं कि आप सोचें कि उसके लिए कैसे जी रहे हैं और उससे विनती करें कि इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरे समय का उपयोग करने में आपकी मदद करे। यदि आप किसी को जानते हैं जिन्हें इस प्रोग्राम से लाभ होगा, तो मैं न्योता देता हूं कि आप उन्हें ये बताएं। हमारे पास मुफ्त में ये ऐप है जो आपके फोन के द्वारा ऐसा करने में मदद करती है। इसे डाउनलोड करने के लिए केवल अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर में जाइए और द जॉन एंकरबर्ग शो खोजिए, और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इन प्रोग्राम को देख सकते हैं बहुत से लोगों के साथ, किसी भी समय, किसी भी जगह, पूरी तरह मुफ्त में। हमारा ऐप आपको हमारे Q&A वीडियो को भी दिखाएगा, जहां संसार के सबसे बड़े विद्वान जीवन के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ हमारी ऐप मदद करती है कि 1000 भाषा में आप बाइबल पढ़ या सुन सकते हैं। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप इसे करें, और आप इन प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट पर मुफ्त में देख सकती हैं jashow.org पर। यह मुश्किल मुद्दों में आपकी मदद करने के लिए हमने 8000 आर्टिकल रखे हैं कि आप अपने विश्वास में बढ़ते चली जाएं। हालांकि ये अधिकतर अंग्रेजी में हैं, तो भी बहुत से वेब ब्राउजर हैं जो तुरंत आपके लिए इसे ट्रांसलेट करती हैं। हमारे पास लोगों की पूरी टीम है जिन्हें आपसे बातें करके आपके लिए प्रार्थना करना पसंद आएगा। आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, प्रार्थना करवाना है, तो स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर आप हमें अभी फोन कीजिए। या परमेश्वर इस प्रोग्राम के दौरान आपसे बातें कर रहा है और आप प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, तो अभी कृपया स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारी टीम आपसे बातें करके खुश होगी। शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन कभी यीशु पर उद्धारक के रूप में विश्वास नहीं किया। यदि आप सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे करें, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए, या हमारी ऐप पर जाएं, या हमारी वेबसाइट पर, और प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर क्लिक कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते इसी समय आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे जॉन एंकरबर्ग के अगले एपिसोड के लिए। गुड बाय। प्रभु आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आपने कहा नया स्वर्ग, नई पृथ्वी। मुझे सारांश में बताइए कि इसका क्या अर्थ है। जी, अक्सर हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं केवल कुछ समय के लिए,
हम सोचते हैं ठीक है, कोई मरता है वो यीशु से प्रेम करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, शरीर में न होना यानी प्रभु के साथ होना है, ये सही है, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग अभी लोकेशन में है, वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमें बताया गया कि परमेश्वर अदृश्य जगह से स्वर्ग को नीचे लाएगा और उसे नई पृथ्वी पर रखेगा, नई सृष्टि में। और हमें ये बताया गया है प्रकाशित वाक्य 21:22 में, ईशाया 60:65 में और दूसरे वचन में। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए नीचे आता है इस नई पृथ्वी पर, वचन कहता है कि उसका सिंहासन नीचे आएगा और वो अपने लोगों में वास करेगा। हम जी उठेंगे, हमारे पास नई देह होगी और नई पृथ्वी हमारी नई देह के जैसे होगी। हमारी पुरानी देह मरेगी और समय के साथ सड़ जाएगी और परमेश्वर पुनरुत्थान में उसे जिलाएगा। इसी तरह से जिस पृथ्वी पर हम अब रह रहे हैं, जी ये नाश होगी लेकिन फिर ये जी उठेगी और हम नई पृथ्वी पर सदा के लिए रहेंगे। और उस नई पृथ्वी के बहुत से गुण इस वर्तमान की पृथ्वी के जैसे ही होंगे। और हमारा शरीर होगा जिससे हम खाएंगे और पिएंगे और खुश होंगे, उत्सव मनाएंगे, कहानी बताएंगे डिनर टेबल पर। इब्राहिम और इसहाक पूर्व और पश्चिम से आएंगे, हम उनके साथ मेज पर बैठेंगे, हमें इसी का इंतजार करना होगा। अब मुझे गौर से सुनिए, जब तक कि हमारे मन में सही लक्ष्य न हो, यीशु की ओर देखते रहे जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है, जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं, हमारा जीवन टेढ़ा ही होगा। यदि हम सीधा जीवन चाहते हैं तो हमें कहना होगा कि हर कीमत पर मुझे यीशु की ओर देखना होगा। जब परीक्षा आती है, मुश्किलें आती हैं, तो मैं यीशु के बारे में और जानूं और मैं उसी पर गौर करूं कि इस दौड़ को दौड़ूं। तो हमें अनुशासन और दिशा के बारे में कहा है, निश्चित करना है कि हम मसीह पर गौर करते जाएं और ठान लें। याद है ये कहानी यानी इब्रानियों में ये कहता है कि हम धीरज से वो दौड़ दौड़े जो हमारे सामने रखी है। और ये आगे कहता है कि हम न लड़खड़ाए और अपने पैरों को आज़ाद रखें। पाप जो आसानी से हमें फंसाता है उससे दूर हो, यानी कोई शायद कोट पहनकर दौड़ रहा हो और उसके पैर बंधे हो, और पाप हमारे साथ यही कर सकता है। जब हम फिसल कर गिर जाते हैं तो निश्चित करना है कि हम अपने साथ दूसरों को नहीं गिरा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि जब हम गिरते हैं तो दूसरों को भी अपने साथ लेकर गिरते हैं। इसलिए जॉन, जब हम दौड़ते हैं और गिरे हुए विश्वासियों को देखते हैं तो हमें उनके नीचे आना चाहिए। पौलुस कहता है, इब्रानियों में कहता है कि कमजोर घुटने वालों की मदद करो। आइए अंतिम रेखा तक एक दूसरे की मदद करते जाएं। और अवश्य ही हमें यह कहना होगा कि हमें दौड़ना होगा नियम के अनुसार। मैं बेन जॉनसन का उदाहरण देखता हूं जो अच्छे से दौड़े हैं और उनके पास गोल्ड मेडल भी है। शायद कुछ साल पहले की बात याद होगी, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं रहा क्योंकि उनके शरीर में नशे के तत्व मिले हैं। तो दौड़ को नियम के अनुसार दौड़े। और पौलुस ये कहता है कि मैं इसे करता हूं कि अयोग्य न हो जाऊं।